हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा कि मैं कल साया काटी थी, तो अब मैं इसे सिल रही हूँ। तो सिलने के लिए सबसे पहले मैं इसका डोरी बना लेती हूँ। ये डोरी को मैं इस तरह से मोड़ के, उसके दोनों से आप पतला और मोटा जिस तरह का से तरीके से बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, साया का जो कट किया हुआ 6 पीस था वो है। इसमें बीच का भाग चौला होता है, यानी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये जो है बड़ा वाला भाग है, चौला है, और ये साइड से तिरछा होता है, और ये छोटा वाला भाग है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है कि तिरछा को तिरछा में ही जोड़ना है, सीधा में नहीं जोड़ना है। सीधा में जोड़ने से वो गलत हो जाता है। अभी दोनों को मिला के मैं सिल देती हूँ। पहले 6 कली होता है, तो 6 कली को मैं सिलने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद इसमें मैं कमर पट्टी जो जिसमें हम डोरी पैसाते वो सिल लेते हैं। सिलने के बाद ये देखिए, नीचे का घेर जो होता है इस तरीके से मैं पहले एक बार फोल्ड करती हूँ, उसके बाद दूसरे बार फोल्ड करके उसके बाद फिर मैं इस घेर को भी पूरे सिल लेती हूँ। सिलने ये घेर भी मेरा सिला चुका है। तो इसके बाद फिर मैं इसमें धागा जो यानी रस्सी जो बनाई थी तो वो भी मैं डाल को, उसके बाद फिर साइड में बसता है तो साइड में भी मैं इसे सिल लेती हूँ। इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मिला के उसके बाद मैं इसमें डोरी जो मैं आपको बनाई थी आपके सामने, वो मैं मतलब इसमें डाल के उसके बाद दिखाती हूँ। ये मेरा साया बन के कम्प्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।